नमस्कार, ससुराल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलेगी आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज हमने इस तरह का थालपोस आज के वीडियो में हमने बनाई है, देखें इस तरह से। इसके लिए हमने दो कलर का ऊन लिया है, देखें लाइट पिंक लाइट ग्रीन कलर का। आप कोई भी कलर अपने चॉइस के हिसाब से कलर ले सकते हो। हमने यहाँ पिंक कलर का ऊन लिया है, देखें। यहाँ पर हम 7 चैन बनाएंगे गांठ लगा के। 7 चैन हमने यहाँ पर बनाई हैं, इसे रिंग कर ले। यहाँ पर 3 चैन लेंगे और इस रिंग के अंदर हमें 15 डबल क्रोशे बनानी है। यहाँ पर 15 डबल क्रोशे बनाएंगे हम रिंग के अंदर। तो इस तरह से डबल क्रोशे 15 बना लें। 15 हमने यहाँ पर डबल क्रोशे बनाई हैं और इसे इस तरह से जोड़ दें। एक चैन में यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशे बनानी है, देखें। एक में हमने 2 बनाई हैं। हमने रिंग में 15 बनाई तो ऊपर हमें 30 बनानी है। एक चैन में हमें 2 डबल क्रोशे बना लेंगे, ये देखें। दूसरे लाइन में हमने 30 डबल क्रोशे बनाई हैं और इसे यहाँ पर जोड़ दें। जोड़ के यहाँ पर इस तरह से धागे निकाल लें। यहाँ पर हमें ग्रीन कलर का ऊन लेना है। यहाँ पर ग्रीन कलर का ऊन हम लेंगे, देखें। यहीं पर हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर एक चैन ले लेंगे। यहाँ पर देखें, सिंगल क्रोशे हमने यहाँ पर किया है। फिर ये दूसरे में, पहले चैन में हमने सिंगल क्रोशे किया है, ये दूसरे चैन में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तीसरे में डबल क्रोशे, चौथे में ट्रिपल क्रोशे, फिर चौपल। यहाँ पर 4 बार हम 4 क्रोशे लेंगे, देखिए 3 फेरा हमने लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें 3 बार में 2-2 करके निकालनी है, 4 बार में, ये देखें। 4 बार में हमने ये 2-2 करके निकाली है। और यहाँ पर हम 6 चैन ले लेंगे। उसी चैन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, ये देखें। इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे हम, देख सकते हैं। 2 3 4 5 चैन में हमने 6 बनाई हैं, 6 लाइन, देख सकते हैं। और यहाँ पर हम 10 चैन करेंगे। यहाँ पर हमने की है। यहाँ पर हम दूसरे चैन में जोड़ेंगे सिंगल क्रोशे से। फिर यहाँ पर उसी तरह से डिज़ाइन हमें बनानी है। एक सिंगल क्रोशे हमने इसे जोड़ा है और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे लेंगे, एक डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, चौपल क्रोशे, 3 फेरा हम लेंगे यहाँ पर और 4 बार में 2-2 करके हमें यहाँ पर निकालनी है, ये देखें। 2 3 4, तो इस तरह से हम बनाएंगे। चैन में देखें, हमने एक एक चैन में एक एक लिया है और यहाँ पर 6 चैन करेंगे। और उसी में ये देखें, इस तरह से सिंगल क्रोशे से हमने जोड़ दिया है, देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमने 2-2 उसी में हमने जोड़ा है, ये देखें। 2 4 6 लाइन बनाई हैं, 5 चैनों में हमने लिया है। फिर यहाँ पर 10 चैन, दूसरे चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशे कर ले।
फिर हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, यहाँ पर तीन फेरा लेके हम चार बार में निकालेंगे दो दो करके, इस तरह से छः चैन, और उसी में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ देनी है। तो इस तरह से आप डिजाइनें बना लें। ये देखें छः पार्ट हमें बनानी है, ये देखें छः पार्ट हमने इस तरह से बनाई हैं, देख सकते हैं। और 10 चैन करके हम यहाँ पर लास्ट में क्रोशे में सिंगल क्रोशे में इस तरह से जोड़ देंगे, और यहाँ पर धागे निकाल लें। यहाँ पर हमें पिंक कलर का ऊन लगानी है, जो 10 हमने चैन ली है यहाँ पर हम ये देखें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशे से इस तरह से जोड़ेंगे, और यहाँ पर 5 चैन लेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशे देख सकते हैं, छठे लाइन में हमने इस तरह से लिया है। यहाँ पर एक डबल क्रोशे ले लेंगे, डबल क्रोशे से जोड़ेंगे 5 चैन। यहाँ पर आप सिकुड़न आती है तो 6 चैन ले लें। यहाँ पर देखें 6 चैन हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे ले लेंगे, डबल क्रोशे से जोड़ेंगे ये वाले पार्ट जो है हम डबल क्रोशे से जोड़ेंगे 6 चैन, और यहाँ पर सिंगल क्रोशे से चैन जो हमने लिया है इसे हम सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे 6 चैन। डबल क्रोशे 6 लाइन में ये देखें इस तरह से 6 चैन, चैन को हम सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये लाइन बना लें आप, यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे, ये देखें इस तरह से। चैन में हमें इस तरह से स्लिप चैन ले लेंगे, एक चैन में हमें 6 डबल क्रोशे बनानी है, छः डबल क्रोशे हमने यहाँ पर बनाई हैं, देखें एक चैन में 6 डबल क्रोशे, ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से ये लाइन बना लें आप, ये देखें इस तरह से हमने ये बनाई है एक लाइन, और यहाँ पर इसे जोड़ दें। जोड़ने के बाद इसके ऊपर भी हम एक लाइन इसी तरह से बना लेंगे, एक लाइन अब इसी तरह से बना ले, बढ़ाना भी नहीं है यहाँ पर, जितना है उतना ही क्रोशे हमें इसमें बनानी है, हर एक चैन में एक एक, ये देखें तो इस तरह से एक लाइन और बना ले, ये देखें यहाँ पर हमने इस तरह से बना लिया है। और जिस तरह से हमने ये बनाई है इस तरह से हम दूसरी लाइन भी बना लेंगे, दूसरी लाइन में भी। तो इस तरह से आपको जितना बड़ा चाहिए आप दो या तीन लाइन और इस तरह से आप बड़ा बना सकते हो इस तरह से डिज़ाइन निकाल के। ये देखें हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया है, और यहाँ पर अगर आपको सिकुड़न आती है ये चैन बनाते वक्त, तो आप चैन कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर क्रोशे भी अगर सिकुड़न आती है तो आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप दो में जैसे कि 6, 8,
दस इस तरह से बना सकते हैं आप, तो दो में इस तरह से करके आप बना ले। और यहाँ पर जो है आप, यहाँ पर हमने देखे 2, 4, 6, 7 लाइन ली है, यहाँ पर चैन हमने 6 लिया है, तो आप इस तरह से एक क्रोशे और बढ़ा सकते हैं इस तरह से आप, और ये डिज़ाइन जो है बड़ा बना सकते हैं। चैन यहाँ पर 15 करें, जब आपको ये बढ़ानी रहेगी तो ये चैन जो है आप 15 करें, बीच का चैन हमने यहाँ पर 10 किया था, तो यहाँ का चैन आप 15 करें और यहाँ का चैन बढ़ाएंगे, जैसे हमने नीचे के लाइन में आपको बताया 5 चैन में हमने 6 लाइन बनाई है, और यहाँ पर 7 लाइन बनाई है 6 चैन में, तो यहाँ पर हमने 15 चैन किया है। ये वाला चैन जो है लरी चैन की, वो हमने 15 किया है। तो इस तरह से बना लें आप। यहाँ पर बॉर्डर डिज़ाइन मैं आपको बता देती हूँ, देखिए इस तरह से हमने बनाई है जो बॉर्डर डिज़ाइन, तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ये बॉर्डर हमने एक लाइन है देखें, 4-4 और छोड़ के और 4 क्रोशे एक में हमने लिया है डबल क्रोशे, ये देखें नीचे की एक लाइन हम बराबर हमने बनाई है एक लाइन, इस तरह से बना लेंगे, फिर उसके ऊपर एक छोड़ के हमें यहाँ पर हमने 4 बनाई है, फिर इसे इस तरह से मोड़ के यहाँ पर हमें कम करना है, एक एक कम करते जाना है, स्लिप चैन ले ले, 3 यहाँ पर हमने स्लिप चैन ली है, ये देखें यहाँ पर हम 3 चैन ले लेंगे, स्लिप चैन लेके 3 क्रोशे डबल क्रोशे, ये देखें 4, फिर यहाँ पर हम लेंगे एक कम करना है हमें, इसलिए हमने यहाँ पर एक कम किया है, देखें नीचे की लाइन 5, 4, 3, चार चार, ये देखें एक में हमने 4 ली हैं, यहाँ पर चैन हमने नहीं लिया है, और यहाँ पर फिर हम एक कम करेंगे, 3 हमने यहाँ पर की है देखें, यहाँ पर 2 करेंगे, तो यहाँ स्लिप चैन ले लें 2, 3 क्रोशे में, फिर यहाँ पर हम एक ले लेंगे, यहाँ पर हम 4 क्रोशे बना लेंगे, चैन को लेके हमने 4 लिया है, ये देखें 2 यहाँ पर आएंगे, एक एक कम करने करके हमने यहाँ पर इस तरह से बनाई है, 2, 3, 4, फिर यहाँ पर उसी तरह से स्लिप चैन कर ले, यहाँ पर एक बनेंगे, ये देखें यहाँ पर हमने एक बनाई है लास्ट में, तो इस तरह से ये डिज़ाइन आएगी, देखें यहाँ पर हमने जो बनाई है ये लाइन पूरा हम एक लाइन इस तरह से लेके जाएंगे, और यहाँ पर 4, 3, 2, 1 इस तरह से, और यहाँ पर ये देखें यहाँ पर हमने स्लिप चैन की है, और 2 छोड़ के ये देखें यहाँ पर एक और स्लिप चैन कर लेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच हमने यहाँ पर लंबा लिया है खींच के धागे को, तो इस तरह से यहाँ पर 8 फेरा ले लें, आठ फेरा हमने यहाँ पर लिया है देखें, और इस तरह से क्रोशे हम निकाल देंगे,
और ये धागे जो है थोड़ा लंबा हम काट लेंगे, ये देखें, इसे हम इस तरह से गांठ लगाएंगे। इस तरह से इसे लपेट लें और यहाँ पर गांठ लगा लें। ये देखें इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बनाई है, देख सकते हैं। और यहाँ पर आप पिंक कलर का बनाना चाहें तो यहाँ पर आप पिंक कलर के ऊन से बना लें। ये देखें जो हमने एक छोड़ा है यहाँ पर, दो छोड़ के हमने यहाँ पर लिया है इसी तरह से, तो इस तरह से ये डिज़ाइन बना लें। हमारे डिज़ाइन आपको कैसे लगे, हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।